खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुकेश कुमार जो प्रज्ञा नगर टोला मुजफ्फरपुर निवासी हैं, उन्होंने अपने भाई कृष्ण मुरारी के साथ शारीरिक मानसिक प्रताड़ना तथा गायब होने पर DGP मुजफ्फरपुर एवं SSP मुजफ्फरपुर को आवेदन दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे भाई के साथ काफी अत्याचार किया जा रहा है, खाना पीना भी नहीं दिया जाता था, कल से मेरा भाई गायब है, मुझे आशंका है कि मेरे भाई के साथ किसी भी समय बहुत बड़ी घटना हो सकती है। प्रशासन से गुहार लगाते हुए उन्होंने अपने भाई के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं उनका कहना है कि उनके भाई के पीछे कुछ ग्रामीण भूमाफिया पीछे पड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी है। बड़े भाई मुरारी जी के साथ में क्या मामला है? मामला है जो उनकी पत्नी उनको मारना चाहती है, उनके जीते जी उनकी जमीन बेच रही है, उनको किसी भी तरह का भोजन में उसको दिक्कत भी दे रहा है, सही रूप से उसको खाना भी नहीं मिल रहा है और किसी भी समय उसकी हत्या हो सकती है। कुछ भूमाफिया ग्रामीण लोग उसके पीठ पर जो है सो पड़े हुए हैं और जो है सो इस तरह का हरकत जो है सो मुरारी सिंह के साथ हो रहा है। अच्छा, आपकी भाभी की क्या रोल है इसमें? आपका रोल है जो ये मर जाए और हम जमीन जो है सो बेचें और कल उसको कहीं गायब भी कर दिया है और अपने जो है सो मतारी बेटी जो है सो घर में है, अब उसको कहाँ रख दिया, क्या करेगा नहीं करेगा, इस पर हमको संदेह है। अच्छा, तो क्या मतलब मैंने क्या लग रहा है कि इस तरह का जो मामला आप बता रहे हैं कि गायब भी कर दिया गया, तो क्या लगता है कुछ जमीन पूर्व में भी बिका? जमीन पूर्व में बिका था, उसकी गतिविधि से जब मुझे संदेह हुआ तो इसकी शिकायत मैं अनुमंडल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से किया, कुहनी थाना प्रभारी को जाँच गया, कुहनी थाना प्रभारी इस पर किसी तरह का कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए, जिससे मनोबल भाई साहब की पत्नी और प्लस भूमाफिया की मनोबल बढ़ती गई। उसके बाद भी समथिंग 1 करोड़ की संपत्ति जो है सो उन्होंने बिक्री किया और उसके बावजूद भी मेरे भाई साहब के साथ उसका सही क्रियाकलाप नहीं है, वो चाहती है जो जितना जल्दी हो मर जाए। मतलब कि घर में किस तरह का माहौल बना हुआ है उनके प्रति, आपके बड़े भाई के प्रति? माहौल यही है कि जितना जल्दी हो मरे उसको सही रूपये भोजन भी नहीं मिलता है, रख रखाव भी नहीं है, कुछ सामाजिक लोग, कुछ भूमाफिया अपराधी किस्म के लोग हैं जो उनका साथ भी देते हैं। तो इस संदर्भ में आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया अपने भाई? अब संदर्भ में हम DGP साहब को दिए, SSP साहब को दिए, दोनों आदमी को जो है सो हम BST पोस्ट जो है सो हम किए हैं, मिलेंगे भी, चूँकि सुनते हैं जो बृहस्पति मिलते हैं तो उनसे जाकर के मिलेंगे। क्या उसमें क्या इंडिकेट किया है आपने उनके पास में, क्या आग्रह किया? इंडिकेट जो मेरे भाई साहब के साथ जो हरकत हो रही है उसी का हम इंडिकेट किए हैं। हाँ, क्या लगता है इस तरह से जो वो गायब किया गया है तो आने वाले समय में क्या लगता है? आने वाले समय में उसको मारने के प्रयास कर रहा है, जो उसको मार देंगे और उसके बाद अपनी मनोवृत्ति जो है सो जो भूमाफिया तत्व जो चाह रहे हैं सो करेंगे, जमीन बिक्री करेंगे। तो पत्नी उनकी अपनी है फिर भी ऐसा क्यों? अब कैसा, अब रुपया बहुत बड़ी चीज़ है, अब क्या कह सकते हैं, हम तो जो देख रहे हैं वही ना, मान लीजिए भाई की सुरक्षा हो, सुरक्षित रहे, हम तो यही प्रयास करेंगे। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं जो मेरा भाई सुरक्षित घर वापस आ जाए, उसकी देखरेख हो, उसकी संपत्ति सुरक्षा में रहे और जो गलत लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अब के बाद इस तरह का हरकत मेरे भाई साहब के साथ लोग नहीं करें। तो मीडिया को क्यों बुलाने की आवश्यकता पड़ी? मीडिया को बुलाने की आवश्यकता पड़ी जो मेरे भाई साहब सुरक्षित रह सके। और मीडिया के माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को यही आगाह करना चाहते हैं जिस पर जो जायज हो सही हो इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें और मेरे भाई साहब का जीवन जो है उसकी प्राण की रक्षा करें, उसकी संपत्ति की बचाव करें। अपना पूरा परिचय? मैं मुकेश कुमार, पिता बसावन सिंह, ग्राम चंद्रहटी, थाना कुर्नी, जिला। आपके जो बड़े, आपके बड़े भाई हैं? जी बड़े भाई। आप उनसे छोटे हैं? जी, हम शहर में रहते हैं, हम गांव रहते भी नहीं हैं, हमको जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं अपने भाई के प्रति, भाई के प्रति, चूँकि उसका जो स्थिति परिस्थिति बनाए हुए है, वो किसी भी क्षण उसकी हत्या हो सकती है, किसी भी क्षण उसकी हत्या हो सकती है, भूमाफिया ग्रामीण तत्व उसके पीठ पर लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।